करनाल में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मेले में पशुपालक प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में अपने पशु लेकर पहुंचे। प्रदर्शनी मेले में पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में किसानों से कहा, आप सब प्रदेश के वो किसान हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और जिन्होंने पशुओं के नस्लों को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भर के पशुपालक मेले के माध्यम से पशुओं के नस्ल सुधार के विषय में अन्य किसानों को जानकारी मिलेगी। वहीं मीडिया से बातचीत में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से 3 दिवसीय पशुधन मेले का आयोजन कर रहा है, जिसमें हरियाणा भर के पशुपालक पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों में पशुपालन प्रति जागरूकता पैदा करना है, ताकि दूध के क्षेत्र में हरियाणा और आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार की पशुधन विकास योजना एवं क्रियाकलापों से उन्नत किस्म के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ दुग्ध उत्पादन भी में भी वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप डेयरी फार्मिंग के व्यवसाय से केंद्र का वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का संकल्प पूरा हो सकेगा। उन्होंने मेले का आयोजन को लेकर पशुपालन विभाग की सराहना की और मेले में आए पशुपालकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से हरियाणा आने वाले समय में एक मॉडल बनकर उभरेगा। राज्यपाल ने प्रदेश भर से आए उन्नत नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी तथा भिन्न भिन्न विभागों एवं कंपनियों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। और 12-15 किलो के को लगभग देसी गाय भी हमारी दुधारू बन चुकी है। तो आप ऐसे ही प्रबुद्ध किसान हैं जिनको प्रदेश सरकार ने और प्रोत्साहित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपनी योजनाओं को आपके रुचि रखा कि किस प्रकार से दुधारू पशुओं को उन्नत नस्ल का बनाते हुए हरियाणा प्रदेश को दूध के क्षेत्र में उन्नत प्रदेश बनाना, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा कि 2022 तक भारत के किसान की आय दोगुना, खेती के साथ जब किसान पशुपालन का भी काम करता है तो यह उसकी आय को दोगुना करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।